सोलन वासियों के लिए खुशखबरी की खबर है कि सोलन में बिजली बोर्ड कार्यालय, पावर हाउस से लेकर अस्पताल तक इलेक्ट्रिकल टैक्सी सेवा का शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता राजेश कश्यप ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रिकल टैक्सी को प्रारंभ किया गया है। इलेक्ट्रिकल टैक्सी से जहां एक ओर सोलन वासियों को सस्ती दर पर लिफ्ट मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण से निजात भी मिलेगी। कश्यप ने कहा कि जिला को आधुनिक बनाने के लिए भाजपा क्रियाशील है और इस उद्देश्य से सोलन में इलेक्ट्रिकल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस टैक्सी सेवा से जहां एक ओर प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों और आम जनता को सस्ती दर पर सुविधाएं मिलेंगी। आज ये बड़े हर्ष की बात है कि पावर हाउस से सोलन और सामती के लिए एचआरटीसी की ओर से यहाँ से इलेक्ट्रिक वैन का जो एक रूट जो है चलाया गया है। मैं समझता हूँ ये पर्यावरण की दृष्टि से और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासकर यहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा और यहाँ की जनता के लिए भी बड़ा कम्फर्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पहले कोई भी बस और कोई भी इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। मैं अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं और साथ में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ठाकुर गोविंद सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने सोलन के लिए जो है इलेक्ट्रिक वैन्स दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी 2-3 वैन्स की जो आवश्यकता है जो हमने उन तक पहुँचाई है उस पर वो जरूर ध्यान देंगे।